दस्तक अभियान का शुभारंभ हो गया है। अति कुपोषित बच्चों के लिए खास पहचान रखने वाले खंडवा जिले में इस अभियान को लेकर खास तैयारियां की गई। खंडवा में कुपोषण और बाल मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण और विभिन्न बीमारियों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं, साथ ही उनके उपचार की व्यवस्था भी कर रहे हैं। दस्तक अभियान में 5 साल से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में एनीमिया की पहचान करके उसके प्रबंधन के उपाय किए जाएंगे। दस्तक अभियान के लिए जिले में आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दल बनाए गए हैं, जो बच्चों के विभिन्न प्रकार के टेस्ट करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए उनको चिन्हांकित किया जाए। कुपोषित बच्चों के लिए स्केल दी गई है जिसमें उनको बच्चों की भुजा होती है उसमें नाप करना है और यदि वो 11.5 सेंटीमीटर से कम पाया जाएगा तो उसको संबंधित क्षेत्र की NRC जहाँ पे की पोषण आहार हम देते हैं वहाँ भेजा जाएगा। उससे कम यदि बच्चे पाए जाते हैं तो उनको आंगनबाड़ी पर पोषण आहार दिया जाएगा। इसी तरह एनीमिया के लिए बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी बच्चे SNCU से जो छुट्टी हुए हैं या NRC से छुट्टी होते हैं उन बच्चों का फॉलोअप कभी कभी नहीं हो पाता, वो लोग दोबारा नहीं आते हैं तो उनका भी फॉलोअप किया जाएगा कि उनका जो ट्रीटमेंट दिया गया था उसका प्रभाव उन पर कितना क्या रहा, उनको दोबारा समस्या तो नहीं आई है, और उनको पुनः फॉलोअप के लिए प्रेरित किया जाएगा कि जाके हमारी NRC में पुनः उसका फॉलोअप करें।